हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी शिवानी और मैं जो हूँ आप लोगों के लिए एक और न्यू वीडियो लेकर आ चुकी हूँ। तो अभी जो है मैं हूँ बुद्ध मार्ग में, यानी कि स्मार्ट बाजार के पास, और यहाँ पे आपका न्यू सिनेमा हॉल जिसका लोगों को काफ़ी दिनों से जो है इंतज़ार था वो बनकर रेडी हो चुका है। यानी कि 1 अगस्त को जो है इसकी ओपनिंग भी हो गई है, और वो है इन ऑक्स सिनेमा, जिसका लोग जो है बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे और वो जो है बनकर रेडी हो चुका है। तो अभी हम जो है अंदर चलेंगे और फिर आपको जो है यहाँ की सारी कुछ डिटेल्स वगैरह कैसे क्या कुछ है वो सब बताएंगे। तो चलिए हम अंदर चलते बिना किसी देरी के। सो लेट्स गो। गाइज, यहाँ पे जो है आप लिफ्ट से उतरेंगे और यहाँ पे एकदम सामने आपके जो है इस तरह से लिखा रहेगा अशोक इन ऑक्स, और यही है ये सिनेमा हॉल। तो यहाँ पे जो है 1 अगस्त को ही इसकी ओपनिंग हुई है। आप देख सकते हैं कि पूरा अभी भी अच्छे से ये डेकोरेटेड है। तो चलिए अब अंदर चलते हैं और फिर देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो है आपको सिक्योरिटी चेकिंग के लिए रुकना होगा, आपके बैग वैग्स जो भी है सारे कुछ चेक किए जाएंगे यहाँ पे। तो ये देखिए, मतलब अमेजिंग, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये जो लुक दिया गया ना, ये एक रेस्टोरेंट वाला लुक दिया गया, क्योंकि मैंने अभी तक इस तरह का जो लुक है वो जो है सिनेमा हॉल में तो नहीं देखा है। ये देखिए, एक लगता है ना कि रेस्टोरेंट का फुल लुक ऑन है इस तरह। गाइस, एंट्री लेने के बाद सबसे पहले जो है आपको यहाँ पे टिकट काउंटर दिख जाएगा। तो यहाँ पे जो आप ऑफलाइन भी टिकट्स कटवा सकते हैं, ऑनलाइन भी टिकट कटवा सकते हैं। तो ये देखिए। सो गाइज, मुझे एक यहाँ पे बहुत ही अलग सा चीज़ दिखा है जो कि मैंने कभी किसी पहले सिनेमा हॉल में नहीं देखा है, वो है ये मशीन, जो कि बहुत ही अलग है। क्योंकि यहाँ पे जो है आप सारी टिकट्स वगैरह अपनी बुकिंग वगैरह कर सकते हैं, और यहाँ से जो आपका रसीद निकले और उसके बाद जाके आप अपनी मूवीज़ देख सकते हैं। टिकट काउंटर दिख जाएगा, आप यहाँ पे ऑफलाइन या ऑनलाइन कोई भी यहाँ पे टिकट्स वगैरह आप करवा सकते हैं। सो गाइज, आपको टिकट काउंटर के पास यहाँ पे एक बोर्ड दिखेगा जहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है कि आप जो है हॉल के अंदर क्या कुछ ले जा सकते हैं और क्या कुछ नहीं। तो यहाँ पे देखिए, आप जो है लार्ज बैग्स वगैरह या फिर कैमरा वगैरह या मूवी जो भी शूट क्लिप्स वगैरह नहीं ले सकते। अगर पकड़े जाते हैं तो उसके लिए जो है मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो आप मैनेजमेंट को बाद में ब्लेम नहीं कर सकते। तो प्लीज़ इसको एक बार देख ले और यहाँ पे जो है आपको एंट्री से पहले ही सारा कुछ टिकट्स के बारे में जो है इंफॉर्मेशन वगैरह मिल जाएगा कि अगर आप टिकट का जो फोटो कॉपी वगैरह अगर लेके आ रहे हैं तो वो अलाउड नहीं होगा, और कुछ जैसे बहुत कुछ दिया हुआ है। तो वो सब आप प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा और तभी यहाँ पे अंदर जाइएगा। सो गाइज, अगर मैं यहाँ की एग्जैक्ट लोकेशन की बात करूँ ना, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसे और किस तरह से आपको आना है।
तो यहाँ पे जो है आपको देख लीजिए, इस तरह का आपको बुद्ध मार्ग आना है, आपको यहाँ पे जो है इस्कॉन टेम्पल मिल जाएगा। जस्ट उसके अपोजिट में थोड़ा सा आप आइएगा तो आपको जो स्मार्ट बाजार मिलेगा, उसी के जो है ऊपर फोर्थ फ्लोर पे जो है अशोक इनॉक्स सिनेमा हॉल यहाँ पे खुल चुका है, और जिसकी ओपनिंग 1 अगस्त को ही हुई थी। तो उसके बाद जो आप यहाँ से भी अंदर जा सकते हैं। और यहाँ सो गाइज, अगर मैं यहाँ पे स्पेस की बात करूँ तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो है ना काफी ज्यादा स्पेस है। बहुत सारे हीरो की ऐसी मूवीज होती हैं, जैसे ही शाहरुख खान सलमान खान की मूवीज, बहुत क्राउड हो जाता है। तो यहाँ पे जो है ना आपको बैठने के लिए भी साइड में लगा हुआ है, और खड़े होकर भी आप वेट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है टेबल चेयर जो है ना काफी सुंदर लग रहा है यार, और मतलब बहुत ही कंफर्टेबल भी। बहुत लोग ऐसे होते हैं जैसे कि किसी को प्रॉब्लम है या कुछ ओल्ड एज लोग हैं, तो वो लोग जो है ज़्यादा देर खड़े नहीं हो पाते हैं, तो वो लोग बैठ के इस तरह पे वेट कर सकते हैं, तो वो चीज़ सही। और यहाँ पे ना आपको वॉल्स पे इस तरह के कुछ फोटो फ्रेम्स वगैरह दिख जाएंगे, जो कि हॉलीवुड बॉलीवुड कुछ हीरोज़ के लगाए गए हैं। यहाँ पे जो है शाहरुख खान और काजोल का है, श्रीदेवी का है। हॉलीवुड का मुझे उतना आइडिया नहीं है तो मैं बता नहीं सकती, सॉरी गाइज। तो वो सब बहुत सही है यार, स्पेसफुल भी है ये चीज़। सो गाइज, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो है स्क्रीन 1 है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे जो आगे आपको यहाँ टोटल 3 स्क्रीन्स है, आगे बाकी के 2 स्क्रीन्स देखने को मिलेंगे। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी जो है यहाँ पे आपको एक फूड कोर्ट टाइप में बनाया गया, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना मतलब 3-4 सेक्शन में बांट दिया गया इस चीज़ को, और ना हर सेक्शन के ऊपर जो है ना इस तरह से जो है आपको लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा कि सैंडविच फ्राइज सारा कुछ लिख दिया गया है कि कहाँ पे क्या चीज़ अवेलेबल है। और यहाँ पे जो है ना इस तरह के स्क्रीन्स पे आपको प्राइस के हिसाब से सारा कुछ पता चल जाएगा कि क्या कितने प्राइस वगैरह का है। तो चलिए अब जो है हम अपने नेक्स्ट जो सेक्शन है उस पर देखते हैं कि क्या है। तो गाइज, नेक्स्ट सेक्शन पे आई थिंक यहाँ पे जो है ना नाचोस वगैरह आपको मिल रहा है। हाँ, नाचोस और कॉफ़ी है। तो यार कोल्ड कॉफ़ी हो, हॉट कॉफ़ी हो, आपको हर तरह के कॉफ़ीज वगैरह मिल जाएंगे यार। ठंड में कॉफ़ी पी के मूवी देखने का मज़ा ही कुछ और है यार। लेकिन बात अगर मेरे से लोग हैं तो चाय में वो ज़्यादा खुश होते, क्योंकि चाय की बात ही कुछ और है यार। चाय का कंपेरिजन हम किसी चीज़ से नहीं कर सकते। तो यहाँ पे सो गाइज, यहाँ पे जो है ना साफ सफाई की भी पूरी ध्यान रखी जा रही है। इसको देख के मुझे लगा ही नहीं था कि ये डस्टबिन और 2 सेक्शन है, वेट अलग ड्राई अलग। और आपको जो है ना यहाँ पे हर 1-2 मिनट 5 मिनट पे इस तरह से जो है साफ करने वाले जो है वो लोग आपको दिख ही जाएंगे। तो मतलब ये देखिए, और यहाँ पे जो है ना कि आपको फ्लोर देख के पता चल जाएगा कितना ध्यान रखा जा रहा है। सो गाइज, जैसे ही मैं अभी थोड़ा सा आगे बढ़ी, मुझे ना एक कॉर्नर में मतलब साइड में जो इस तरह का ये चीज़ दिखा फर्स्ट बाइट्स करके, तो यहाँ पे ना एक मशीन लगाया गया है। जैसे ही आप जो भी ये बोर्ड है उस पर एक मतलब खाने का जो भी पिक्चर वगैरह आएगा, आप बस टच करोगे और वो उस चीज़ का जो है ना आपको यहाँ पे बिल जो है निकल के आ जाएगा। फिर आप बस फूड कोर्ट में जाइए और इसका जो रसीद है वो दिखाइए, आपको मिल जाएगा वो चीज़। सो गाइज, यहाँ पे जो है आपको बाकी के 2 स्क्रीन्स देखने को मिल जाएंगे, 2 और 3 जो है। तो यहाँ पे ना आपको 3 के पास मतलब 2 के पास भी है, बट 3 के पास मैं अभी दिखा देती हूँ कि यहाँ पे एक स्क्रीन है जहाँ पे आपको सीट्स वगैरह अवेलेबल है या नहीं है वो पता चल जाएगा। तो वो चीज़ बहुत सही है, मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा देखा है पटना में, बाकी कोई भी हॉल में इस तरह का मैंने नहीं देखा है। तो यहाँ पे मुझे दिख गया, और मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे जो है ना 2 स्क्रीन्स में जो है ना वो 3D मूवीज चलाए जाएंगे, और यहीं पे जो है आपको क्लासेस वगैरह भी मिल जाएगी। तो उसके भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अंदर जाके फिर बैठ के कोई आएगा देने वो नहीं है, यहीं पे आपको कलेक्ट कर लेना है। और 2 के पास भी इसी तरह से बोर्ड दिया गया, मतलब हर जगह स्क्रीन जहाँ पे भी है ना 1, 2, 3 लिखा हुआ उसके नीचे इस तरह का दे दिया गया है, ताकि आपको जो है सीट्स वगैरह है या नहीं है अवेलेबल पता चल जाए। कई बार ऐसा होता है कि लोग जाते हैं वहाँ पे एट अ टाइम टिकट्स वगैरह खोजते हैं तो वहाँ पे क्राउड हो जाती है, तो उससे बेटर है आप जाके यहाँ पे देख लो तो आपको पता चल जाएगा कि अगर सीट होगा तो नॉर्मली आपको टिकट्स वगैरह मिल जाएंगे, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ मुझे बहुत सही लगा, क्राउड करने से बेटर है कि आप यहीं पे आओ और ये चीज़ देख लो, वो चीज़ सही रहता है। सो गाइज, यहाँ पे आपको वॉशरूम वगैरह भी मिल जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, मूवी हॉल है तो वॉशरूम तो होगा ही। तो इस तरफ जो है आपको मेल के लिए और सामने में डिसेबल्ड लोगों के लिए, और जस्ट बगल में उसके जो है वो फीमेल्स के लिए यहाँ पे दिया गया है। और वहीं पे जो है ना आपको इस तरह का फ्री ड्रिंकिंग वाटर भी मिल रहा है, तो टेंशन की बात नहीं है। ऐसा बहुत सारे थिएटर्स में नहीं होता है, बट यहाँ पे है तो आप यहाँ पे नॉर्मली क्योंकि बहुत साफ है तो पानी वगैरह भी पी सकते हैं यहाँ से आप लोग।
सो गाइज, यहाँ पे जो है आप मूवी हॉल के अंदर जाके रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, उसकी परमिशन आपको नहीं मिलेगी। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो है ना, आपको पहले परमिशन लेना होगा तभी वीडियो बनाना हो, विदाउट परमिशन आप वीडियो नहीं बना सकते हैं। तो मैंने बाहर से मेरे लिए जो कुछ भी पॉसिबल था मैंने आपको सारा कुछ दिखा दिया और बता दिया है। इस हॉल में जो ये जो न्यू मूवी हॉल बनाना है, यहाँ पर बहुत कुछ न्यू मुझे देखने के लिए मिला, जो कि बाकी पटना में बाकी उस तरह के मूवी हॉल में नहीं मिला था मुझे देखने के लिए। तो मुझे पर्सनली ये चीज़ बहुत सही लगा। तो गाइज, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बताना बिल्कुल भी ना भूले। और अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।